जमू रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। लड़का है? कितना बड़ा हो गया है? अब की पूरन मासी पे 7 महीने का हो जाएगा। 7 महीने का? कोई बीमार हुआ था क्या? हाँ जी, बस कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमारे पिताजी ने देसी दवाई पिलाई थी इसको। क्यों, तुम्हारे मायके में डॉक्टर नहीं है? है तो एक सरकारी दाई। तू उसे क्यों नहीं दिखाया? ये सारी दवाई गांव में असर ना करे। किसने बताया? हमारे पिताजी कह रहे हैं। इसे खिलाते क्या हो? मैंने कही ना, 6-7 महीने का है, अभी तो बस दूध ही पीवे है। सरकारी दाई के पास जाती तो वो बताती कि बालक जब 4-6 महीने का हो जाए तो उसे माँ का दूध पूरा नहीं होता। गांव में तो बालक 1.5-1.5 साल के हो जावे हैं सिर्फ माँ के दूध पे, इसीलिए तो कमजोर होते हैं। अरे इतने बड़े बालक को दूध के ऊपर भी कुछ खिलाना चाहिए। गेहूं का दलिया, साग सब्जी, ये सब खाए बगैर इसकी खुराक पूरी नहीं होती। तुम्हारे क्या बच्चे हैं? शादी नहीं हुई। तो फिर? लेकिन मुझे मालूम है। अच्छा, तुम्हारे ससुराल में सरकारी दाई है? हाँ जी। उसके पास जाना। हाँ, ये जो सरकारी दाइयाँ होती है ना, इन्हें खास तौर पर बालकों और औरतों की देखभाल के लिए ट्रेन किया जाता है। उसके पास जाओगी, जैसी वो बताए वैसी खुराक इसे दोगी, तो फिर देखना कितना मोटा तगड़ा सा हो जाएगा। नाम क्या रखा है? अभी तो सब लाला कह रहे हैं। वैसे इसके दादाजी ने इसका नाम भुवनेश्वर प्रसाद रखा है। क्या, भुवनेश्वर प्रसाद? अरे बाप रे, इतने से बालक का इतना बड़ा नाम। हम तो इसे लाला ही कहेंगे, है ना लाला जी? लाइए, हम आपका नाम लिखते। ला ला लाला लाला, लीजिए आपका नाम पक्का हो गया लाला। जी इसका नाम लिखा है ला ला लाला। होय, ड्राइवर साहब फाटक खुल गया, चलाओ गाड़ी। वैसे ही घनी देर करा दी। और क्या, आ,
राम बहन जी। राम राम। कहाँ जा रही हो जी? गंगरा ले। चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ जी। कहो तो आपका सामान वहां तक छोड़ दूं। अच्छा सुनो, कहो कि आप डॉक्टरानी हो? डॉक्टरानी तो नहीं हो, मुझे लेडी हेल्थ विजिटर कहते हैं। सुना है स्वास्थ्य केंद्र गंगरौली पंचायत ने बनवा के दिया है। अजी खाक बनवाया है, एक पुराने मकान की मरम्मत करवाई है, सो भी सरकारी पैसे से। गांव वालों से बेगार की मजूरी करा ली है और कहना है कि श्रमदान है गया। अरे तो उसके बदले में गांव वालों को दवाखाना तो मिल गया। हाँ जी, ये तो ठीक है। यही कहेगा तो कमला ने गांव वालों को काम पे लगाया, ना तो कोई हाथ में लगा था। आप कमला को जानती हैं? कमला? कौन कमला? अजी वो रमेश चंद्र की घरवाली, आपके गंगरौली में ही रहवे। नहीं, मैं वहां अभी किसी को भी नहीं जानती। उसका घरवाला किसान सभा चलावे है, उसी ने कह कह के कमला को पढ़ाई के लिए राजी किया। अब तो कमला उससे धोखा दबा गए है। अच्छा? हाँ जी, अब कोई उसे रमेश की घरवाली ना कहवे, अब तो सब नू कहे वो रमेश है ना कमला का घरवाला। गौर से सुनना ये कहानी, औरत की कहानी है ये, औरत की जुबानी। ये कौन कह रही है? आप सुनिए जरा। औरत न हो तो कौन नलाई करे भला, खुरपी लगाए कौन गुड़ाई करे भला, फिर धान रोपने का नहीं आदमी में दम, औरत न हो तो उसके निकल जाए सारे खम। औरत बगैर फसल है दुश्वार उगानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, 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 औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। कितना अच्छा गाती है। जे खिलौने बेचने वाली है ना सरफी, अनाथ है बेचारी। पहले मस्जिद से जो कुछ मिल जावे हा सोई खा पहन लेवे थी, फिर कमला ने इसे खिलौने बेचने पे लगा दिया। बेचारी अपना पेट पाल लेवे है जी, और कमला के सिखाए गाने गांव गांव में गावे है। ठाकुर भवानी प्रसाद का ट्रैक्टर खड़ा है, गंगरौली के प्रधान है, साथ में कामता प्रसाद भी हैं। आगे आप इनके साथ चली जाओ। इतनी दूर लाए हो, वहां तक नहीं छोड़ोगे? ठाकुर ने अगर आपको हमारे साथ देख लिया तो बेकार आप पे भी शक करेगा। शक? कैसा शक? किसान सभा वालों से खास चिढ़ है उन्हें, और वैसे भी हम कामता प्रसाद की पंचक्की पे ना जाते जी। छोटे छोटे बालकों से सारा दिन गुलामी करावे हैं, कभी चाराने दे दिए और कभी यूं ही बेकार। देख के ही हमारा तो खून सर को चढ़ता है। रमेश और कमला दोनों हमें जानते हैं, हमारा नाम बोलू राम है। ये कौन है? लगता है नई हेल्थ मिस्टर है शायद। अरे हाँ, इसे आज ही तो आना था, कल शाम ही तो मीरा देवी को सारी हिदायत देके आया हूँ। चलो ये भी अच्छा हुआ कि पहले हमसे मुलाकात हो गई। हाँ, वो रमेश की घरवाली घात लगाए बैठी होगी सुसरी। कहाँ है? कब डॉक्टर ने आए और उसके कान भरे? अरे पंडित जी घबराइए मत, ट्रैक्टर में बिठाल के सब सेंटर तक छोड़ आते हैं, और रास्ते में ऐसा फिट कर दूंगा कि बस ठाकुर साहब के कहे पे चला करेगी। जरा आहिस्ता बोलो ना। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। उषा जी आइए। नमस्ते। ठाकुर साहब तो कब से आपकी राह देख रहे हैं। ये हैं ठाकुर भवानी प्रसाद, गंगरौली के प्रधान। अच्छा। और
ये है हमारे गांव के पुरोहित पंडित लक्ष्मी नारायण। नमस्कार। नमस्कार। और मैं कामता प्रसाद हूँ। पंडित कामता प्रसाद, ये सरपंच है। अच्छा। आइए बैठिए, आइए। पंडित जी नहीं आएंगे? अजी पंडित जी ब्रह्मचारी आदमी हैं, औरतों के साथ वो नहीं बैठते। इधर आ जाओ कम से कम। हाँ देखना नहीं उधर कि कोई कमला है जो गांव में बहुत मानी जाती है। मानी जाती है अजी? डॉक्टर साहब आपने भी किसकी बात पे कान दिया। अरे रुको इधर रुको, अब यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा, तो आइए इधर से आइए। पुराना गांव है और ठाकुर साहब और हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि गांव की तरक्की हो। अब आप आ गई हैं तो आपके सहयोग से और भी तरक्की होगी। ऐसे लोग अनपढ़ हैं और कई बार समझते भी नहीं हैं। ठाकुर साहब बहुत कोशिश करते रहते हैं कि लोग समझें। ये सब देख रही हैं आप, ये सब कमला के आदमी की कारस्तानी है। ये किसान सभा जिंदाबाद और ये खेत मजदूर यूनियन जिंदाबाद। आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा करता ही रहता है। अपनी लुगाई को उसने दो चार अक्षर क्या पढ़ा दिए हैं, अब वो जाने अपने आप को क्या समझने लगी है। देखिए डॉक्टर साहब, आपको इन झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप तो बस अपना सब सेंटर चलाइए और जैसा ठाकुर साहब कहें वैसा करती रहिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। और कहीं आपको कोई तंगी हो, कोई परेशानी हो, तो आप सीधे ठाकुर साहब के पास आइए, और कहीं जाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए आइए। तो इस तरह के लोग तरह तरह से आप पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ, ठाकुर साहब हैं। आप चली आ रही हैं महारानी मीरा दे? नहीं नहीं ठाकुर साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तो आप ले आए ना ठाकुर साहब? अरे तुझे तो फिक्र है ना अपने अफसर, तो हमने कहा हम ही लिवा लें। आइए डॉक्टर साहब। मीरा देवी तेरी छोरी नजर नहीं आ रही। वो तो पढ़ने गई है ठाकुर साहब। अच्छा तो यूं करवाएगी तू डॉक्टर साहब किसे? अरे तुझे मालूम तो था कि डॉक्टर साहब आज यहाँ आ रही, तो फिर उसे रोक नहीं सकते थे क्या? इस समय कहाँ पढ़ने गई है? अजी वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाया था गांव में, अब साला जी का बवाल बन गया है। अब देखिए ना, उस छोरी से हिदायत करी थी कि यहीं रही हो आपके लिए, और वो चली गई है शिक्षा केंद्र पढ़ने के लिए। पढ़ने तो गई है, अच्छी बात है, पर वैसे भी अभी मुझे किसी खास मदद की जरूरत नहीं है। तो ठीक है फिर आइए, चलिए आइए। रहने दीजिए प्रधान जी, मैं अब इनके साथ चली जाऊंगी। लाओ यह सामान। चाय बनाऊं बहन जी? नहीं बस पानी पिला दो। हाँ पिलाई। लीजिए पानी। कौशल्या अभी आती होगी, आज स्कूल में किताबें बंटनी थी, फिर सुशीला ने कही कि आज जरूर भेज दीजो, सो मैंने बिना रोका। अरे तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी बेटी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र क्यों जाती है? स्कूल नहीं है आसपास? स्कूल जाने की उम्र ना है उसकी, 16वीं में लगी है। तो बचपन में स्कूल क्यों नहीं भेजा? बस अब कहा बताए। अम्मा देख अम्मा, दो दो किताबें मिली। तो यही है कौशल्या? राम राम। राम राम।
अरे तुझसे कही ना थी कि जल्दी आना। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये सुशीला देवी है। अच्छा आइए आइए। उसे कही ना थी कि जल्दी आइयो, ठाकुर साहब कितने नाराज है के गए हैं। चल अब रोटी बना जल्दी बहन जी के लिए, थकी गई है। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है तुम्हारी बिटिया। अब इतनी तारीफ मत करो बहन जी, वैसे ही बहुत सिर चढ़ी भई है। किताबें लाकर दिखाओ। हाँ हाँ दिखा। मैं तो बस ये सोचा तू कि थोड़ी बहुत पढ़ लिख ले और आपके संग रह के कुछ सीख जाए, तो आप इसे कहीं मेरी तरह हेल्थ वर्कर लगवा दो तो पैसे कमाने लायक हो जाए, तो ससुराल में दबके तो ना रहना पड़ेगा। हाँ सो तो है। खिलती कलिया कहाँ तक पढ़ ली तूने? आज ही शुरू करवाई। अच्छा ये पढ़। ब आका डंडा, बा ल बाल क बाल क, ब आका डंडा, बा ब आका डंडा, बा बाबा, ल आका डंडा, ला ल लाल, ल आका डंडा, ला ल आका डंडा, ला लाला। अरे वाह तूने तो सब पढ़ लिया, अब लिख के दिखा। बस लिखा ही ना चाहता हूँ पे। क्यों बहन जी ने सिखाया नहीं क्या? सिखाए क्यों ना होगा, जय की बुद्धि मोटी है। कैसी बातें करती हो मीरा देवी, जितना इनने एक दिन में पढ़ लिया कोई ना पढ़ पाता है, और फिर शुरू शुरू में लिखने में दिक्कत तो आती ही है। बिल्कुल ठीक। शहर में मैं जिस बस्ती में रहती थी वहाँ महिला समिति वालों ने सेंटर खोला था, वहाँ भी मैं रहती थी, लिखना सीखने में वाकई देर लगती है। वहाँ जो लड़की पढ़ाने आती थी वो क्या करती थी कि कौशल्या मेरा वो गुलाबी डिब्बा लेके आया जरा, कलम से लिख के सिखाया जाए ये कोई जरूरी नहीं। इसमें से देख के तो दूसरा शब्द ले। फिर बाद में पेंसिल से लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। बाहर निकल। कान खोल के सुन ले, अगर कल से तेरी गाय यहाँ दिखाई दी रखूंगा। लेकिन ये तो
जा बेटी, परमेश्वर कमला को बुला के खिला।